पे मैंने दो पैकेजेस अमेजन से मंगाए, एक तो है ये बर्नर और एक है ये आपका सिलेंडर। एक तरह से समझ लीजिए कि एलपीजी गैस वाला सिलेंडर है ये, ठीक है। तो सबसे पहले इस सिलेंडर को निकालते हैं, छोटे पैक में है, इसको मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा खोल के रखा है, इसको और अच्छे से खोल देते हैं। तो आप देखेंगे दो पैक है, एक पैक ये है और एक ये, बॉक्स को करते हैं साइड में, ठीक है। ये दो पैक्स हैं, आप देखेंगे क्या लिखा है इस पे? ये तो कंपनी का नाम है कॉफी, ठीक है। यहाँ पे लिखा ब्यूटेन गैस, ठीक है, कार्ट्रिज। अब देखिए कार्ट्रिज क्या होता है, कार्ट्रिज का मतलब जैसे एक तरह से रिफिल जिसको हम कहते हैं। तो ये क्या है, ब्यूटेन गैस है, फ्लेमेबल है, ठीक है। ये लिखा देखिए प्योर ब्यूटेन है, कितना ये है नेट वेट 230 ग्राम, ठीक है, यानी 500 ml का है। और ये एक्सट्रीमली फ्लेमेबल होता है। इसका यूज कहाँ करते हैं, यूज हम करते हैं जब हमको अक्सर एक्सपेरिमेंट की वीडियोस जो होती हैं, एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो हमें चीज़ों को गर्म करना पड़ता है। तो गर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, आग जलाते हैं। तो ये फ्लेमेबल होता है, इसको हम कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं, लेके रख सकते हैं। और इसके ऊपर नोजल लगा होता है जिसको हम ऑन करके आग जलाते हैं, अभी मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। तो इस तरह के नोजल होते हैं, ऑटोमेटिक टॉर्च, ये सब मैनुअल टॉर्च, ये सब होते हैं। आप इसका यूज इवन खाना पकाने में भी कर सकते हैं। आपका जो सिलेंडर का नोजल होता है, अगर वो आपने इसके ऊपर सेट कर दिया और इसको ऑन कर दें, तो आप चूल्हे को भी जला सकते हैं, चूल्हा भी जलेगा, गैस स्टोव जो होता है आपका, यानी किचन में जो स्टोव रखा होता है वो भी जलेगा इससे, और खाना भी आप बना सकते हैं। इमरजेंसी फंड में अगर आप इमरजेंसी की बात करें, अगर आपके पास सिलेंडर खत्म हो गया और ये है आपके पास, तो आप इसको अपने चूल्हे से जोड़ लीजिए और ऑन कर लीजिए, आप अपना खाना बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये दो पैक है मेरे पास, तो अभी के लिए एक को खोलते हैं। खोलने के बाद इसको एक बार देखेंगे कि ये कैसे जलता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो सारा पॉलिथीन में निकाल दिया, इसको करते हैं साइड में। ये हमारा कॉफी का ब्यूटेन गैस कार्ट्रिज, तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। ये एक और पैक है जो जिसमें इसका नोजल आया, तो नोजल को भी बाहर निकालते हैं, ठीक है। नोजल यहाँ से हम इसको बाहर निकालते हैं, बॉक्स को साइड में रखते हैं। ये है इसका नोजल जो इसके ऊपर हेड लगाया जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर कि मैं ये सारी वीडियोस क्यों बना रहा हूँ। ये सारी वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे कि अक्सर हमें साइंस की वीडियोस बनाने में, जो प्रैक्टिकल टाइप की होती हैं, वो बनाने में हमें क्या ज़रूरत पड़ती है सबकी, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे देखेंगे इसके नोजल में चिंगारी आती है थोड़ी सी, हो सकता है वीडियो में ना दिख रहा हो आपको, आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे ये देखिए हल्की चिंगारी आपको दिख रही है ना, ये तो इसी के थ्रू ये जलता है। अब इसकी कुछ चीज़ें हैं, अगर पढ़ना चाहें तो आप देख सकते हैं, बर्निंग अप टू 1300 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर ये दे सकता है अगर इसको जलाया जाए, ठीक है। चलिए बाकी चीज़ें छोड़ते हैं, अब इसको देखते हैं इसको माउंट कैसे करेंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर लगाना भी तो है, ये इसका नोजल है, इसी पे ये फिट हो जाएगा, ठीक है। कैसे, इसको हम ऐसे लगाएंगे, इसका देखिए ये हुक है, ये हुक है इसका, ये हुक इस ब्लॉक में बैठना चाहिए, ठीक है। ये वाला जो हुक है इसका, ये इस ब्लॉक में ऐसे बैठना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही इसको हम डालेंगे, इस हुक को इसके अंदर, और ऐसे टाइट कर देंगे, ठीक है। आई थिंक बैठ गया, हाँ ठीक है, ऐसे बैठेगा, ठीक है। ये प्योर ब्यूटेन है, इसमें स्मेल भी नहीं आती, घर के सिलेंडर में तो स्मेल भी आती है, इसमें स्मेल भी नहीं आती, ठीक है। ये देखिए ये बैठ गया ना, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको ऑन कैसे करते हैं। तो ये सारा फिटिंग मैंने आपको करके दिखा दिया, ऐसे फिट होता है, ठीक है। नोजल ऊपर से लगा के टाइप किया मैंने अभी आपको, पीछे से पहले इसको ऑन करेंगे इस तरह से और ऐसे दबा देंगे। तो आप देख रहे हैं पूरा ये बढ़िया से चल रहा है ना, और इसको पीछे से टाइट कर दीजिए तो बंद हो, देखिए इस तरफ से, इस तरफ रोटेट करेंगे तो खुलेगा, इस तरफ राइट साइड करेंगे तो बंद हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप जलाएंगे तो पहले से थोड़ा सा ही खोलिएगा, बहुत कोशिश करिए थोड़ा सा ही खुले, और इसको पीछे से ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे प्रेस कर देंगे, देखिए आगे लगने लगी ना। फर्स्ट टाइम रहेगा तो थोड़ा सा ऐसे होगा, तेज करना है तो आप इसको तेज कर सकते हैं, धीमा कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जिस तरह से आप करना चाहें। राइट साइड घुमा देंगे तो आपका ये बंद हो जाएगा, देखिए बंद हो गया, ठीक है। इस तरह से काम करेगा, चीज़ों को जब हमें गर्म करना होता है तो, या बहुत से प्रैक्टिकल होते हैं जिसमें हमको चीज़ों को गर्म करना होता है, तो उस चीज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं आराम से, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट ये है, चीज़ें आपको अमेज़न पे इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, आपको ज़रूरत पड़े तो आप मंगा सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े, आप चाहते हैं, आपको काम लग रहा है मंगाने का, तो आप वहां से मंगा सकते हैं। चलिए तो अभी के लिए इतना ही, आगे हम जैसे जैसे प्रैक्टिकल्स करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो वहां पे इन सामानों का इस्तेमाल आप देखेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।